आप पर जितने आरोप लगते हैं या जितना आपको निशाने पर लिया जाता है वो राज्य के नेताओं से ज्यादा आपके विपक्ष से ज्यादा केंद्र के नेता लेते हैं, खासकर प्रधानमंत्री जब भी आते हैं आपकी बात करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह आते हैं तो आप ही होते हैं बिल्कुल सेंटर पर, बिल्कुल उनके टारगेट पर। प्रधानमंत्री ने अभी एक सभा में ये कहा था, आप पहुंचे नहीं, सरकारी कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई जनता की भलाई का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री को तो आना चाहिए था लेकिन आ नहीं सकते। उसकी दो वजह, एक तो अपनी सरकार उनकी गिर जा रही है, सरकार बचाने में व्यस्त है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि आकंठ भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति मोदी से आंख में आंख मिलाकर मेरे सामने बैठ नहीं सकता, इसलिए नहीं आए। लो कर लो बात, मोदी जी खुद नीति आयोग की बैठक में हमारे गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हैं और रायगढ़ में आके बोलते हैं कि जो गोधन न्याय योजना है उसमें 1360 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, जबकि गोबर खरीदी 271 करोड़ की हुई है। तो 271 करोड़ की गोबर खरीदी में 1360 करोड़ की घोटाला कैसे हो सकता है, ये मुझे बता दे कोई भी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी नगर नारा है स्टील प्लांट, और हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, सर्वानुमति पारित किया कि यदि भारत सरकार स्टील प्लांट नहीं चला सकते तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दे, हम चला लेंगे। हमारे पास भिलाई में बहुत सारी अनुभवी इंजीनियर है, उसके माध्यम से हम चला लेंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं और बोला क्या, मैं किसी कांग्रेसी के हाथ में जाने नहीं दूंगा। कौन कांग्रेसी की हैसियत है भाई जो स्टील प्लांट ले ले, कांग्रेस सरकार। लेकिन सवाल इस बात का, उस दिन प्रधानमंत्री आए और पूरा बस्तर बंद था लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए कि ये नगर नार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, ये एक लाइन प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाए। और नहीं बोल पाने के पीछे मजबूरी जो है प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो स्टील प्लांट शुरू हो और वो अपने मित्रों के हाथ में बेच दे और बीट लगाने के लिए आ गए। बस मेरा पहला सवाल यही था कि जिस समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हो और उस समिति ने फैसला किया कि नगर नार स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचना है, मैंने कहा उसे हटा दीजिए, मैं आपके स्वागत में आ जाऊंगा, मैं बस्तर के लोगों के साथ हूं, बस्तर के लोगों की भावनाओं के साथ हूं, और छत्तीसगढ़ के हित की बात है। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में नेहरू जी ने लागू किया, आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। आप नगर नार स्टील प्लांट शुरू नहीं हुआ उसे निजी हाथों में बेच रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं करूंगा। बट मुख्यमंत्री जी, विनिवेश तो इस सरकार की नहीं, पुरानी सरकार की भी पॉलिसी रही है। तो भाई जो ऐसा कोई विनिवेश बता दीजिए जो प्लांट बना ही नहीं है उसे बेचने की सूची में डाल दें, ऐसे एक आध उदाहरण बता दीजिए, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? ये नगर नार स्टील प्लांट चला नहीं है, उसके पहले वो विनिवेश की सूची में है, जो बजट है उसकी सूची में है, और उसके पहले आप देख लें सारे उद्योगपति, कम से 5 बड़े उद्योगपति के जो लोग हैं वो आके सर्वे करके चले गए हैं, तो नहीं बिकेगा ऐसा एक लाइन बोल तो दे प्रधानमंत्री जी, मैं स्वागत करूं। वो कहते हैं कि स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से उखाड़ के थोड़ी ले जाएगा, यहीं चलेगा, यहीं के लोग काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, स्टील प्लांट ले नहीं जा सकते, इसको उठा गुजरात नहीं ले जा सकते आप, ये तो मैं मानता हूं। ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि इसको ऐसे जमीन से उखाड़ के ले जाओ, कोई पेड़ जैसे लगाते हैं उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन ये निजी हाथों में जाएगा तो जो बस्तर के लोगों ने अपनी जमीन दी है उसके भावना क्या होगा, उसकी नौकरियों का क्या होगा, वहां जो भर्तियां होगी उसमें आरक्षण का लाभ जो लोगों को मिलना है, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, वो कहां मिलेगा, और उसका लाभ निजी हाथों में जाए। क्योंकि एक तरफ रमन सिंह जी ने और NMDC ने, CMDC और NMDC के ज्वाइंट वेंचर NCL बनाया, और NCL बना के जो बेलाडेला के जो स्टील प्लांट मतलब आयरन और खदान है, लॉयस खदान, उसको अडानी दे दिए थे। तो एक तरफ नगरनार स्टील प्लांट है बगल में और एक तरफ खदान है, तो आपकी नियत क्या है, सब समझ आ। स्मृति ईरानी तो संसद में आपसे पूछ रही थी कि आपने अडानी को खदान क्यों दी। लो भला, गहलोत जी एक बार आए थे, उन्होंने कहा भाई ये खदान राजस्थान की है, इसको अप्रूवल दे दी। स्मृति ईरानी की स्मृति लोप हो चुका है, क्योंकि जो जितने भी चाहे वो लॉस के की बात हो, चाहे कोल की बात हो, कोल बेरिंग एक्ट में परिवर्तन हुआ, FRBM एक्ट में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद आपने राज्य से, पहले तो कोई भी खदान यदि भारत सरकार किसी को देती थी तो राज्य सरकार से पूछ लेती थी, उसकी सहमति ले लेती थी,
अब जो आपने नीति बनाई है उसमें तो आप FRPM एक्ट निसारी, वो जो जो खनिज की नीति जो बनाई परिवर्तन किया है उसके उसमें तब ये है कि हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिया जमीन आपने, जमीन छत्तीसगढ़ की है लेकिन जो मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। अभी हमसे कौन से पूछ रहे हैं? नहीं, फॉरेस्ट का क्लियरेंस आप देंगे उसको, वहां पर जमीन अधिग्रहण आप करेंगे, पेड़ कटेगा तो उसकी क्लियरेंस आप देंगे। मतलब बहुत अध्ययन करके आए हैं, मुझे ही पता है। इतनी ये बारीक लाइन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि इसको अलॉटमेंट किसने किया? बिल्कुल केंद्र ने किया। केंद्र ने किया ना? बिल्कुल किया। तो बचत प्रोसेस है। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्यावरण अधिनियम किसने बनाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पर्यावरण अधिनियम किसने बनाया? वन अधिनियम किसने बनाया? भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने बनाया है तो उसको उसके तहत काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी, केंद्र सरकार की, तो क्लियरेंस कौन देगा? तो राज्य सरकार ने तो बनाया नहीं इस नियम को, है ना? तो उसमें हमको वो अधिकार दे, हमको तो ये काम करके दे दो, ये आपको करना है। मैं तो आपको एक से एक उदाहरण दे दूंगा। जब क्लियरेंस वन स्टेज वन और टू की बात आई, हमने स्टेज टू के क्लियरेंस नहीं दिया, भारत सरकार वन विभाग के अधिकारी आए हमसे पूछे तक नहीं, वो देखे और उन्होंने क्लियरेंस दे दी।